हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंफोसिस के सुडो कोड क्वेश्चन के बारे में, जो तो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ये है पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाट विल हैपन व्हेन फॉलोइंग सुडो कोड इज एग्जीक्यूटेड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन बताना है कि ये हमारे पास स्क्रीन शॉट में इसको देखना है और हमको यहाँ पे ऑप्शन टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन में ट्रू होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन कह रहा है सेट एन इंटीजर, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू रखी है 101 और ये इंटीजर, एक इंटीजर है सैलरी जिसकी वैल्यू है 0, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। ठीक, नाउ आपको ये बताना है। ठीक, नाउ देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो हम लोग अगर व्हाइल लूप के अंदर देखें, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी लूप वर्क करेगा, जब भी इनफाइनाइट टाइम वर्क करेगा, तो हर बार क्या होगा कि जो सैलरी विल बी एडेड बाय 10, सॉरी एडेड बाय 100, यानी कि हर टाइम जब भी लूप इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, जब भी लूप वर्क करेगा इनफाइनाइट टाइम, तो हर बार क्या होगा, जो सैलरी में 100 ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड वैल्यू ऑफ एरे सैलरी इज डिस्प्ले ऑफ वंस, मतलब एक बार ही डिस्प्ले होगी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है द कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड नथिंग इज डिस्प्ले। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड वैल्यू ऑफ सैलरी इज डिस्प्ले इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। ठीक, मैंने अभी कहा है कि बेसिकली ये क्या लगा हुआ है कि व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, और ये क्या बेसिकली क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा तो खाली ऑप्शन नंबर 3 में देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ये डिस्प्ले वंस लिखा, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बट नथिंग प्रिंट है, यहाँ पे ये सही नहीं है, और कंपाइल टाइम एरर ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये बेसिकली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और सैलरी की वैल्यू बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट लूप चलेगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th और इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, जूम कर लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सेट इंटीजर, यहाँ पे रस यानी कि एक वेरिएबल है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक, नाउ और यहाँ पे डू लगा हुआ है, डू वाइल लगा हुआ है, और बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, यानी कि जो रस है उसको सबसे पहले डिक्रीमेंट किया जा रहा है, उसके बाद डिस्प्ले कराने के बाद यहाँ पे फिर से उसको इंक्रीमेंट कराया जा रहा है। ठीक, नाउ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंदर देखें इनसाइड डू वाइल लूप के अंदर, यहाँ पे बेसिकली द वैल्यू ऑफ आरईएस यानी कि जो वैल्यू ऑफ 0 है, आरईएस की वैल्यू क्या 0 है, वो बेसिकली पहले क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, फिर इंक्रीमेंट हो रही है अल्टरनेट लूप। ठीक, सो इसका मतलब ये हो गया व्हाइल कंडीशन विल बी ट्रू, व्हाइल कंडीशन क्या बेसिकली क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक, दस लूप इज गोइंग फॉर वर्क फॉर अ इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि यहाँ पे आर की जो रस की वैल्यू जो है 0 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, रस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिकली ये बेसिकली क्या होगा, पहले एक बार तो डिक्रीमेंट हो रही है, एक बार इंक्रीमेंट हो रही है, अल्टरनेट लूप काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये लूप होगा, ठीक, डू व्हाइल लूप होगा, ये इनफाइनाइट टाइम वर्क करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर देखना है कि आंसर क्या कह रहा है कि कोड विल रन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कोड जो लूप है वो नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट की वैल्यू है पहले डिक्रीमेंट हो रही है फिर इंक्रीमेंट हो रही है अल्टरनेटली, तो इसका मतलब ये लूप जो होगा इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज अ फॉल्स आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ फॉल्स आंसर, ऑप्शन डी इज अ फॉल्स आंसर, ओनली ए इज अ राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज अ ट्रू। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन का नंबर एक है, हाउ मेनी टाइम विल हैच विल बी डिस्प्ले। ठीक, आपको हैच यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, कितने टाइम हैच डिस्प्ले होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो व्हाइल लूप, सॉरी दो लूप लगे हुए, दो फॉर लूप लगे हुए हैं। ठीक, हर एक है आउटर लूप, एक है इनर लूप, और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 0 to 4। ठीक, 0 to 4 वैल्यू वेरी कर रही है दोनों लूप की। ठीक, नाउ अगर हम लोग देखें, अगर एम की वैल्यू 0 रखें, तो जो अगर वैल्यू 0 रख रहे हैं तो एन क्या करेगा, एन लूप वर्क 5 टाइम। ठीक, अगर एम की वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं तो एन की जो लूप होगा बेसिकली कितने टाइम वर्क करेगा, ये 5 टाइम वर्क करेगा। ठीक, एन 5 टाइम वर्क करेगा। अगर एम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये कितने टाइम वर्क करेगा, तब भी ये 5 टाइम वर्क करेगा। ठीक, अगर एम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं तब भी क्या करेगा, बेसिकली जो नीचे वाला लूप होगा वो क्या करेगा, 5 टाइम वर्क करेगा। ठीक, तो बेसिकली इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एम, जब हम लोग एम की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो एन विल वर्क फॉर अ 5 टाइम अगेन, तो हैश जो प्रिंट करेगा वो बेसिकली 5 टाइम फिर प्रिंट करेगा, यानी 5 टाइम यहाँ प्रिंट करेगा, 5 टाइम यहाँ प्रिंट करेगा, 5 टाइम यहाँ प्रिंट करेगा। ठीक, नाउ
बेसिकली जब भी प्रिंट करेगा ना, हम लोग की मूव कर दे, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक। अब बेसिकली क्या होगा, ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली जब मूव करेंगे फिर से तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ट्रू होगी तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप के बाहर आएंगे, आउटर लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक। जैसे ही बाहर आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, तो हमारा लूप प्रिंट हो जाएगा। हम लोग को जो वैल्यू जो प्रिंट हुई थी डिस्प्ले, वो कितनी बार प्रिंट होगी, एक बार पांच यहाँ प्रिंट हुआ था, एक बार पांच यहाँ प्रिंट हुआ था, एक बार पांच यहाँ पर, यानी टोटल हमारे पास 15 बार प्रिंट हुआ है, ठीक। यानी कि हैज जो प्रिंट हो रहे हैं, एक बार यहाँ प्रिंट हो रहा है, जब हम लोग एम की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो ये फाइव टाइम चल रहा है ना लूप। अगर एम की वैल्यू वन रख रहे हैं तो फाइव टाइम चल रहा है, यानी कि 10 हो गए यहाँ पे, दोनों गाड़ के 10 हो गए। फिर टू रखने पर क्या होता है, फिर चल रहा है, यानी कि 10+5 यानी कि 15 हो गया, यानी कि टोटल 15 बार चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा लूप है, यानी कि जो हैच है, वो डिस्प्ले हो रहा है 15 टाइम, तो 15 इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सबसे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सुडो कोड। यहां पे सुडो कोड दे रखा है, सुडो कोड को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे, यहां पे देखिए ये लिखा है फॉर आई इज 0 to 4, यानी कि आई कहां चल रहा है, 0 से लेकर 4 तक चल रहा है, ठीक। यहां पे इफ आई इक्वल टू आई, यानी कि जो आई है इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक, प्लस माइनस माइनस आई, यानी कि बेसिकली यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पे बेसिकली कह रहा है कि when i i value is 0, then if condition is true, all the value of i, basically जो all the value of i, यहाँ पे देखिए i की value क्या थी, जी basically 0 थी। अगर हम लोग पहले देख रहे हैं when i की value 0, basically इसके अंदर move करेगा, i क्या है, 0 है, ठीक, 0 equal to 0, basically क्या है, ये भी 0 है, plus यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे decrement हुआ है, basically क्या मतलब हो गया, overall जो output होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले आई कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग आई की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, प्लस माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा हमारा, प्लस क्या होगा, वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ठीक। तो ओवरऑल जो कंडीशन होगी ना, जीरो हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली ये बेसिकली क्या कह रहा है, वन आई वैल्यू इज 0, देन इफ द कंडीशन विल बी ट्रू, अगर 0 होगी कंडीशन विल बी ट्रू, if all the value of i, then if the condition will be result in false, so the output will be 0. basically jab agar condition jo hogi overall result kya hoga, false hoga, to condition overall hamara kya hoga, 0 ho jayega, theek। to hamara output kya hoga, basically kya ho jayega, wo 0 ho jayega, theek। yahan pe to answer jo hoga, hamara answer number a hoga, theek। to kaise hoga wo dekhe, kyunki hamara i kya hai, basically agar hum baat kare here only i hamara kya hai, 0 hai, to basically ye condition kya hai, true ho gayi। अगर बाकी वैल्यू की बात की जाए, वन टू थ्री की बात की जाए, ठीक, फोर की भी बात कर लें, तो बेसिकली इसके इसके अगर हम चलेंगे तो हमारे जो आई की कंडीशन है, जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली फॉल्स हो जाएगी। सिर्फ 0 रखने पे हमारी कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही है, बाकी जो आई की वैल्यू रखने पर 1, 2, 3, 4 रखने पर हमारी कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स हो रही है। तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जब 0 होगा तो आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो आई हमारा क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, क्योंकि इसी की कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, 0 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द ट्रू आंसर, ठीक। नाउ तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।